यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस क्या है, जिसे मोदी सरकार ने मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की और कहा कि सरकारी कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी उठती रहती है और पेंशन इसका अहम भाग है। सरकारी कर्मचारी देश भर में लोगों की सेवा करते हैं और इससे समाज की एक व्यवस्था चलती है। समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने सरकारी कर्मचारी की नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधारों की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नई स्कीम में केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये योजना अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद इसे कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली, यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो हम चर्चा कर लेते हैं इस स्कीम की 5 मुख्य बातें। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस यूपीएस के 5 मुख्य भाग है। पहला हिस्सा जो कि कम से कम 50% निश्चित पेंशन है, कम से कम 50% निश्चित पेंशन। अश्विनी वैष्णव ने कहा, कर्मचारियों की एक मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में चाहिए, जो वाजिब मांग। ये रकम रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीने के औसत मूल्य वेतन का 50% होगा। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो। इससे कम वक्त 10 साल से अधिक और 25 साल से कम तक की सेवा की है तो रकम भी उसी हिसाब से होगी। दूसरा हिस्सा है निश्चित फैमिली पेंशन। किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार या फिर पत्नी को 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। तीसरा हिस्सा जो है वो है न्यूनतम निश्चित पेंशन। 10 साल तक के न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। और चौथा हिस्सा, महंगाई के हिसाब से व्यवस्था की जाए। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लाभ सभी तरह की पेंशन में मिलेगा, यानी कर्मचारियों की पेंशन में महंगाई इंडेक्सेशन को शामिल किया जाएगा। ये महंगाई राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइसेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इंडेक्स पर आधारित होगी। यह व्यवस्था मौजूदा समय में सेवारत कर्मचारियों के लिए है। पांचवा हिस्सा, ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुफ्त रकम दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्से के रूप में होगी। इस रकम से कर्मचारियों के निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं हो। कैसे बनाई गई नई पेंशन स्कीम? अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल में डॉक्टर सोमनाथन के नेतृत्व में इस मामले पर विचार करते हुए एक कमेटी बनाई। उन्होंने बताया, कमेटी ने करीब करीब सभी राज्यों लेबर संगठनों के साथ बातचीत की, साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में मौजूदा सिस्टम को समझा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने वाले दिनों में लागू होगी। इस स्कीम का भार कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा, यानी कर्मचारियों पर इसका भार नहीं पड़ेगा। पहले कर्मचारी इसके लिए 10% का अंशदान करते थे और केंद्र सरकार भी इसके लिए 10% का अंशदान करती थी। 2019 में सरकार ने सरकारी योगदान को 14% कर दिया और अब सरकार इसमें अपनी अंशदान को बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। उन्होंने कहा, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और तब तक इसके लिए संबंधित नियमों को बनाने के काम किया जाएगा और कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में रहने का विकल्प होगा। अभी यह स्कीम लागू हुआ नहीं, उससे पहले ही कई सवाल उठने लगे हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने सरकार की नई घोषणा पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प देने में क्या दिक्कत है। यदि सरकार न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दे सकती है तो फिर पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प देने में क्या दिक्कत है? यदि यूपीएस में बेसिक का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में भी तो 50% ही देना होता है। सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। 25 साल की नौकरी करने वाले को 50% यानी पुरानी पेंशन के बराबर पेंशन दी जाएगी। जिनकी नौकरी कम होगी उन्हें 10,000 और डीआर देगी